सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को बता दें कि एसएससी ईडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती को लेके एक बहुत अच्छी अपडेट यहाँ पे रिसेंटली निकल के आ रही है, जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। इस बार सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट परेशान थे वो 26,146 जो वैकेंसी निकली है वो नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर काफी टेंशन में थे कि कम वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे आप सभी को काफी राहत मिल सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो जाए, तो वो क्या होने वाला है और अभी रिसेंटली क्या अपडेट आया है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो देखो, आप सभी को सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आप सभी को बताया गया एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी आई है उसमें मैंने लगभग 10-15 दिन पहले ही बता दिया था कि लगभग 4,000+ वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरीके से आप सभी को बता दूं कि एसएससी जीडी 2024 को लेके एक अपडेट यहाँ पे रिसेंटली आ रही है कि आप सभी को यहाँ पे बताता चले कि जो आपकी फोर्सेस हैं इन सभी फोर्सेस की जो वैकेंसी का डेटा है वो 31 मार्च तक कलेक्ट होना है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि ईयर एंड यहाँ पे जो आपकी फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग, या पता नहीं जो भी रीजन है उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 31 मार्च 2024 तक जो नंबर ऑफ वैकेंसी वेकेंट है सभी फोर्सेज में, जो भी आपकी सीएपीएफ फोर्सेस होती है जो एसएससीईडी में वैकेंसी निकाली गई है उन सभी वैकेंसी का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी खाली है। अब इसमें दो संभावना भी यहाँ पे निकल के आ रही है। पहली चीज तो आप सभी जानते हैं कि अगस्त में आप सभी की 2025 वाली वैकेंसी भी आ रही है, यानी कि 2024 में ही 2025 वाली वैकेंसी अगस्त में आपकी रिलीज हो जाएगी। तो पहली तो ये चीज कहीं ना कहीं मुझे ये लग रही थी कि ऐसा ना हो कि ये जो वैकेंसी है वो अगस्त 2024 वाली जो वैकेंसी है जो कि 2025 वाली भर्ती रहेगी उसके लिए कहीं ये डेटा कलेक्ट ना किया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें उम्मीद ये दिख रही है कि अभी आपका देखो रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि फिजिकल के लिए 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होती है। तो 26,146 यहाँ पे वैकेंसी है, तो अभी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा यानी 8 गुना का। तो ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी रिवाइज होनी है, अगर यहाँ पे आपकी ये जो वैकेंसीज है वो रिवाइज होनी है तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि रिजल्ट से पहले ही आपकी ये नंबर ऑफ वैकेंसीज रिवाइज हो जाएंगी और फिर उसी के हिसाब से रिजल्ट 8 गुना जारी होगा। तो यहाँ पे मुझे ये उम्मीद अब दिख रही है कि हो सकता है कि मुझे उम्मीद लग रही है कि ये वैकेंसी इसमें भी ऐड हो सकती है, क्योंकि पूरा डेटा जब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा कि कितनी पोस्ट आपकी वैकेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो पाएगा कि भाई अगस्त के लिए कितनी वैकेंसी निकालनी है और इसमें कितनी वैकेंसी इंक्रीज करनी है। क्योंकि अगर ये रिजल्ट से पहले हो जाता है तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो सकती है। इसके लिए मैं आपको कंफर्म गारंटी के साथ ये नहीं कहूंगा कि इसी में आपकी ऐड हो जाएंगी, क्योंकि देखो अभी तक ये जो वैकेंसी का डेटा है वो कौन सी भर्ती के लिए कलेक्ट हो रहा है ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये किसी को भी कंफर्म नहीं है। ये तो डिपार्टमेंट ही बता सकता है जब वैकेंसी का डेटा कलेक्ट हो जाएगा कि वो कौन सी में ऐड होंगी, लेकिन अभी ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो मैंने आप सभी को बता रहा हूँ और हो सकता है कि आप सभी की वैकेंसी ऐड हो जाए तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट हो सकती है। क्योंकि अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर 5,000 वैकेंसी भी आपकी और बढ़ गई तो इसके 8 गुना कैंडिडेट और अधिक क्वालिफाई होंगे, यानी 40,000 कैंडिडेट को और यहाँ पे मौका मिल जाएगा जो कि आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट हो सकती है, यानी कि 5,000 कैंडिडेट को भी रोजगार मिलेगा। तो ये एक अच्छी अपडेट यहाँ पे आप सभी के लिए हो सकती है, जो भी बच्चे एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन जिन्होंने भी दिया है तो उनके लिए अच्छी अपडेट राहत वाली बात यहाँ पे हो सकती है। इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये जो डेटा कलेक्शन का काम है वो 31 मार्च तक पूरा करने के लिए बोला है, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। रिसेंटली मुझे अपडेट मिली तो मैंने कहा आप सभी को अपडेट कर देता हूँ कि हो सकता है कि आपकी एसएससी ईडी 2024 की जो 26,146 वैकेंसी है वो इंक्रीज हो सकती है, लेकिन जो भी कंफर्मेशन होगी जब कंफर्मेशन मुझे मिल जाएगी कि 100% ऐसा हो रहा है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आई होप कि ऐसा ही हो जिससे कि आप सभी को एक और अच्छा मौका यहाँ पे मिल पाए और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो। बाकी का आप सभी को पता है कि पहले भले ही इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट को गलत लगे लेकिन समय के साथ इन्फॉर्मेशन एकदम से सही प्रूफ हो जाती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे आंसर की के बारे में भी बोलेंगे, आंसर की के लिए कमेंट करेंगे, तो आंसर की के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और जो डेट आप सभी को बोली थी उसी के अकॉर्डिंग आप सभी की आंसर की आनी है ऑलरेडी। आप सभी को अभी बहुत ही जल्दी ये भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि 8 तारीख को आपकी जो आंसर की लिंक है वो जनरेट हुई थी लेकिन अभी तक एक्टिव नहीं हुई है, यही चीज मैंने आप सभी को बोली थी। क्योंकि
अब इस चीज पर ज्यादा बोलने से फायदा नहीं है, समय के साथ सही और गलत आपको खुद से पता चल जाएगा कि जो जानकारी मैंने आप सभी को दिया है वो सही थी या गलत थी, वो आप सभी को खुद से पता चल जाएगा। तो फिलहाल ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट आ रही है, उम्मीद करते हैं यहाँ पे 5-10 हजार वैकेंसी एड हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी का जो भी अपडेट आएगी आप सभी को प्रोवाइड करा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।